सो हे गाइस, अगर आप एलग्रो की वीडियो देखते हो तो आपको ये चीज पता होगी कि जनवरी के महीने में एलग्रो अपना फेस रिवील करने वाले हैं, मतलब अपना चेहरा दिखाने वाले हैं कि वो कौन है और कैसे दिखते हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में जब वो फेस रिवील कर दें तो उसके बाद वो फेस कैम वीडियो ही बनाना स्टार्ट कर दें। एलग्रो ने अपनी वीडियो में बोला भी है कि अगर वो एडिटिंग वाली वीडियो बनाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर वो फेस कैम वीडियो बनाएंगे तो वो दिन में 2-3-4 वीडियो बना देंगे और मतलब पर डे भी वीडियो डाल सकते हैं। तो ये सब कुछ मतलब देखने को मिलेगा अगर एलग्रो अपने चैनल पर फेस कैम वीडियो बनाते हैं तो शायद उनकी रेगुलर और रोजाना वीडियो आ सकती है। सो एक चीज़ तो आपको पता होगी कि एलग्रो की वीडियो पर लोग एलग्रो का फेस देखने नहीं आते हैं कि एलग्रो का फेस देखने को मिल जाएगा या ये कि एलग्रो कौन है, ये सारी चीज़ें देखने लोग नहीं आते हैं। लोग देखने आते हैं कंटेंट, जो एलग्रो अपने चैनल पर कंटेंट जिस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं, जो उनका समझाने का तरीका है और प्रेजेंट करने का जो तरीका है, उनकी जो एडिटिंग है, इस चीज़ को लोग देखने के लिए आते हैं। और ये सारी चीज़ मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने एलग्रो की एडिटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे ट्यूटोरियल बनाए थे कि कैसे उनकी एडिटिंग करते हैं, कैसे उनका ये इफेक्ट क्रिएट करते हैं। उन सारे वीडियोस पर मेरे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, 30,000 से क्रॉस हो चुकी हैं उनकी मेरी वीडियो जो उनके चैनल से मतलब उनकी एडिटिंग से रिलेटेड मैंने बनाई थी। तो ऐसा ही है, मतलब उनकी एडिटिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं लोग और ऐसी एडिटिंग करना चाहते हैं अपने फ़ोन से या फिर कंप्यूटर वगैरह से। तो ऐसे में क्या होगा, जब एलग्रो अपना फेस कैम वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग फेस कैम वीडियो देख के बोर हो जाते हैं, और ऐसे में हो सकता है कि उनकी वीडियो पर थोड़े से कम व्यूज़ आए अभी के मुकाबले। तो अभी भी अगर देखा जाए तो पहले से कुछ कम व्यूज़ आ रहे हैं, पहले की वीडियोस पर अगर आप इनके देखोगे तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। सो अभी तक क्या है कि एलग्रो की एडिटिंग और उनका प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ देखकर लोग उनकी वीडियो को ज़्यादा टाइम तक देखते हैं, ज़्यादा वॉच टाइम देते हैं, ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन आता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी फेस कैम वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे तो उनका भी ऑडियंस रिटेंशन मेरे हिसाब से डाउन हो जाएगा, क्योंकि मैं जब भी अपनी एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं तो उसमें ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी अच्छा आता है, और जो मतलब मैं फेस कैम वीडियो बनाता हूं उसमें ऑडियंस रिटेंशन कम आता है। तो यही कुछ रीज़न है क्योंकि एडिटिंग को लोग देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इन्होंने कैसे एडिट किया है। तो फाइनली ये तो बता दिया मैंने अपना एक्सपीरियंस कि क्या इफेक्ट एलग्रो के चैनल पर देखने को मिलेगा। और अब आप भी बताइएगा, अब आपकी बारी है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एलग्रो की एडिटिंग वाली वीडियो आपको अच्छी लगती है या वो अगर फेस कैम वीडियो बनाएंगे तब आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।